चॉइसेस चॉइसेस चॉइसेस, क्या आप लोग भी मेरी तरह बुरे हो चॉइसेस में? चॉइसेस मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसमें कि दिमाग हिल जाए, पूरा का पूरा दिमाग ना भिन्ना आ जाए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, दो एग्जांपल दूंगा और उसी में तुम्हें पता लग जाएगा गेम के बारे में। जैसे हमें दो चॉइसेस मिलेंगी, चुटकी या फिर शिजुका। अब तुम अंदाजा लगा लोगे। एक और एग्जांपल लो तो डोरेमोन या फिर शिनचैन। अब तुम अंदाजा लगा सकते हो गेम किस लेवल का होने वाला है। लेट्स गो। देख सकते हो कुछ either.io है गेम का नाम। और अब फाइनली हमारे सामने दो क्वेश्चंस आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है बी एक्वामैन बी द ह्यूमन टॉर्च। एक्वामैन पानी वाली बातचीत हो जाएगी इसमें, और ह्यूमन टॉर्च मतलब इंसानी ज्वाला ज्वाला आदमी के दिल में होनी चाहिए। और मैं शायद से ह्यूमन टॉर्च नहीं सिलेक्ट करूंगा, मैं एक्वामैन सर्च करूंगा। अबे भाई, इसमें भी देख रहे हो एग्री 37% लोगों ने करा है और 63%। क्या भाई, तुम्हें इंसानी ज्वाला बनने की क्या शौक है? नेक्स्ट, किल योर सेल्फ, अपने आप को मार लो, पुश अ बटन एंड हैव अ रैंडम 10,000 पीपल डाई। मतलब अपने आप को मार लो या फिर एक बटन से तुम 10,000 लोगों की जान ले सकते हो। शायद से मैं, क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं एक डेविल इंसान नहीं हूँ। एक साइड होती है ना आदमी की, एक डेविल वाली होती है और एक हेवन वाली होती है। तो यार मैं अपने आप को तो मार सकता हूँ अगर 10,000 लोग बच रहे हों वरना 10,000 लोगों को मार लूँगा अगर मैं नहीं बच रहा हूँ। छोड़ो यार, ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो रहा है। देख रहे हो, मैं यही कह रहा था भाई साहब, ऐसी तगड़े तगड़े क्वेश्चन आएंगे जिसमें ना बुद्धि काम नहीं करेगी। देख रहे हो, अपने आप को मार लो या फिर एक बटन दबाओ और 10,000 लोग खत्म, टाटा गुड बाय। अपने आप को मारना मैं चूज करूंगा। और भाई 50-50% यहाँ पे भाई, अगर भाई ये तगड़ा सीन हो जाता है यार। देख रहे हो, दोनों बार 50-50%, तो अच्छे लोग भी है बुरे लोग भी है, तो दुनिया बैलेंस में चलती रहेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट, गो टू प्रिजन फॉर 5 ईयर्स। 5 साल के लिए जेल में हम नहीं जाना चाहेंगे। दूसरी चॉइस पढ़ते हैं पहले। गेट पंच्ड हार्ड इन द फेस एवरी आवर ऑफ एवरी डे फॉर 5 ईयर्स। भाई क्या क्या ही पूछ लिया इन्होंने। इन्होंने कहा है कि तुम 5 साल जेल में रहना चाहोगे या फिर 5 साल के लिए हर एक दिन हर एक घंटे एक आदमी से तगड़ा वाला पंच खाना चाहोगे। भाई अगर मैं 5 साल जेल में रहूंगा तो वहां मुझे खाना भी मिलेगा, इनफैक्ट थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी क्योंकि जेल में रहना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। और कोई मेरे को रोज 1 घंटे आके मुक्का मारे तो मैं उसकी जान ले लूंगा। तो मेरे ख्याल से प्रिजन वाला काफी ज्यादा एक एक्यूरेट और वर्थ इट ऑप्शन होना चाहिए, तो प्रिजन चूज करते हैं। और भाई गुड गुड, 72% लोग मेरे साथ है और 28% लोग ये जाएंगे नरक में। चलो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पिट एट एन एंग्री माइक टाइसन। भाई जिनको भी माइक टाइसन नहीं पता उनको मैं बताऊंगा अभी। और सेकंड ऑप्शन है हमारा स्पिट एट एन एंग्री ब्रूस ली। माइक टाइसन दिखाता हूं मैं तुम्हें कौन है। देख सकते हो ये है माइक टाइसन, ये एक प्रोफेशनल बॉक्सर है। इनकी आप इमेजेस भी देख सकते हो, भाई बंदे को खा जाएंगे ये। भाई भाई भाई, इनकी शक्ल देखो भाई भाई, ये नहीं छोड़ेंगे भाई कहीं का। अगर मैंने इन पे थूक दिया ये क्या क्या हाल करेंगे मेरा। और बाकी सेकंड हमारी चॉइस थी स्पिट एट एन एंग्री ब्रूस ली, मतलब एक गुस्सेल ब्रूस ली पे मेरे को थूकना है। तो ब्रूस ली देख सकते हो, और ये एक तगड़े मार्शल आर्टिस्ट है, मतलब कुंग फू वगैरह शैशो वाला सीन है इनका। और भाई इनकी बॉडी देखो भाई, ये ना अपने टाइम के एक खतरनाक तगड़े वाले मार्शल आर्टिस्ट रहे हैं। तो मैं चूज करूंगा कि मैं ना माइक टाइसन पे थूक दूं, क्योंकि भाई ये सही है, ये मेरे को जल्दी से मार के छुट्टी करेंगे। और अगर मैंने इनको कह दिया तो भाई ये तो ऐसा तड़पा तड़पा के मारेंगे, ये ऐसी ऐसी जगह पे मारेंगे ना ऐसे खट खट। मैं मर जाऊंगा। तो मैं चूज करने वाला हूँ माइक टाइसन। अब देखते हैं लोगों ने क्या चूज करा है। भाई लोग मेरे साथ एग्री करते हैं भाई, गुड गुड, 53% लोगों के लिए मैं तालियां बजाना चाहूंगा। 47% भाई मरोगे, कुत्तों की मौत मरोगे। नेक्स्ट, तो अभी हमें एक क्वेश्चन मिला है, इफ यू वर टू बेट योर लाइफ सेविंग ऑन अ सिंगल रूलेट स्पिन वुड यू रेदर। मतलब अगर हमारी लाइफ एक सिंगल स्पिन, मतलब वो आता नहीं ऐसे ऐसे घुमाने वाला, उसमें हमें दिखेगा दो ऑप्शंस, या फिर हम ब्लैक चूज करें या फिर हम रेड चूज करें। तो रेड तो भाई सिंपल देखो डेथ से रिलेटेड है, और ब्लैक को चूज करें तो एकदम नेगेटिव वाइब आती है। तो मैं ब्लैक चूज करना चाहूंगा क्योंकि हमारी लाइफ सेविंग हमें ब्लैक ही कर सकता है, क्योंकि रेड तो भाई ऑलरेडी डेथ का कलर है। बाकी मैं चूज करने वाला हूँ ब्लैक कलर, ब्लैक कलर मेरे को बचा लेगा। और भाई 53% मेरे साथ लोग एग्री करते हैं, तो ये तो सिंपल सी बात है, रेड भाई डेथ का कलर है, तो हम कैसे
कैसे इसमें जी लेंगे। चलो नेक्स्ट, व्हेन यू ईट मैक्रोनी एंड चीज वुड यू रेदर, मतलब हम मैक्रोनी और चीज किसके साथ खाना चाहेंगे, स्पून के साथ या फॉक के साथ। स्पून हमारी चम्मच होती है और फॉक हमारी कांटा, तो हम चूज करेंगे कांटे से, क्योंकि भाई कांटे का खाने का अलग ही मजा है। और मैक्रोनी तो हम खा सकते हैं कांटे से, बट चीज हम कोई नहीं चला लेंगे, हम कांटे से खाएंगे भाई। कांटे चम्मच से हम जिंदगी भर खाते आ रहे हैं, तो हम कांटे से खाएंगे, ठीक है। देखते हैं, 65% लोग मेरे साथ एग्री करते हैं, तो इन लोगों के लिए एक सब्सक्राइब का बटन दबा दो दबा दो भाई, इतनी देर बाद कह रहा हूँ, तो जल्दी से दबा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू रेदर हैव अ स्टोमक एक हैव अ हेड एक। भाई मतलब ये हमसे पूछ रहा है कि हमें पेट का दर्द चाहिए कि सर का दर्द चाहिए। सर का दर्द तो मेरे को बर्दाश्त है ही नहीं भाई, पेट का दर्द चल जाएगा रात में सोने के बाद, सही हो जाता है एक बार पेट का दर्द। बाकी भाई सर के दर्द में तुम चल नहीं सकते हो, मतलब तुमने चला सर को ऐसे ऐसे हिलाया तो भाई काफी ज्यादा पेन होता है। और स्टोमक एक बार को मैं सह लूंगा, सर का दर्द नहीं सह सकते, तो मैं स्टोमक एक चूज करने वाला हूँ। देखते हैं कितने लोग मेरे साथ हैं। 48% लोगों ने स्टोमक एक को एग्री करा है, और 52% लोग चाहते हैं कि हमारे सर में दर्द हो जाए, फिर कोई दिक्कत नहीं भाई सर दर्द खत्म है, लेके डूब जाएगा तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू रैदर वर्क फॉर एप्पल एंड नो ऑल देयर सीक्रेट्स, मतलब हम एप्पल के लिए काम करें और उसके सारे सीक्रेट्स हमें पता हो। वर्क फॉर गूगल एंड नो ऑल देयर सीक्रेट्स। गूगल ऑफ ऑल टाइम। एप्पल क्या है भाई, फोन है खाली फोन। गूगल सर्च इंजन, फोन भाई इतना सब कुछ गूगल ऑल टाइम फेवरेट, तो मैं गूगल को ही चूज करना चाहूंगा। वर्क फॉर गूगल, अभी भी मैं गूगल के लिए वर्क कर रहा हूँ कह सकते हैं, काइंड ऑफ। और देख सकते हो 66% भाई, इससे पता लगता है गूगल की पॉपुलैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू रेदर बी नेम्ड आफ्टर अ कार, बी नेम्ड आफ्टर प्रोड्यूस फ्रूट और वेजीज, मतलब हमारा नेम कार के बाद लिया जाए, जैसे मेरा नाम है टोयाटो रुद्र, ऐसा नाम मेरा हो जाए मतलब जैसे मेरा नाम होगा टमाटो रुद्र, पोटैटो रुद्र कार वाला ओपी लग रहा है भाई, कार वाला टोयाटो रुद्र, महिंद्रा रुद्र ये बढ़िया लग रहा है, बीएमडब्ल्यू रुद्र ये वाला भाई। 80% भाई ने कार वाला चूज किया है, तो 81% लोग थैंक यू फॉर मेरे साथ रहने के लिए। भाई देख लो कितना ज्यादा नंबर जा रहा है ये, और यहाँ पे खत्म 200,000 भाई। 20% लोग चाहते हैं कि उनका नाम हो आलू रुद्र या फिर आलू राहुल ये गलत वाला हिसाब है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू रेदर लिक द आर्मपिट ऑफ अ स्वेटी कैब ड्राइवर, मतलब भाई रुक जा, दूसरा पढ़ता हूँ। ईट द ईयर वैक्स ऑफ एन ओल्ड मैन हुज हैज एवर नेवर क्लीन्ड हिज ईयर्स, मतलब भाई ये होता है ना क्वेश्चन, ये होता है क्वेश्चन, इसमें देखते हैं, इसमें मैं सही आंसर देना चाहिए मेरे को, ज्यादा परसेंट में होना है मेरे को, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहा गया है, ब्लू वाले में लिखा है कि हमें एक स्वेटी कैब ड्राइवर, मतलब कैब ड्राइवर की आर्मपिट बगले चाटनी या फिर हमें खाना है ईयर वैक्स, मतलब कान में से निकलने वाला गंध हमें खाना है, जिस आदमी उस बूढ़े आदमी का खाना है जिसने कि कभी भी अपने कान साफ नहीं करे हैं। तो मैं खाना नहीं, मैं चाटना मैं चाटना पसंद करूंगा, तो ये वाला मैं चूज करूंगा स्वेटी भाई। इससे कोई भी मेरे को जज नहीं करेगा, ठीक है, जज जिसने करा उसकी खटिया खड़ी कर दी जाएगी। फिलहाल यहाँ पे मैं यही चूज करना चाहूंगा, क्योंकि भाई खाने के बाद मेरा जो हाल होगा एक तो खाने के बाद मेरे को वॉमिट होगी, और कुछ आगे से निकलेगा कुछ पीछे से निकलेगा, भाई चाटने के बाद कोई नहीं आगे से ही निकलेगा और स्मूथली निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी यही चूज करूंगा मैं। और भाई 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 यस 88% लोग मेरे साथ है, तो ये पता नहीं 12% लोग क्या इन्हें मजा आएगा ना खा के, इन्हें ऐसा लगेगा कि इन्होंने खाई है दाल मखनी तो गाइस आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। भाई मेरा ब्रेन काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है इन क्वेश्चंस को पढ़ पढ़ के, भाई इतनी तगड़ी चॉइसेस, और चॉइसेस तुमने देखा कुछ मेरी गलत भी थी कुछ सही थी, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स सही थी। तो अगर आपकी चॉइस का स्कोर क्या रहा कमेंट में जरूर से बताना। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।